अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। क्या समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं सभी, सब बताइए ये सब चीज़ों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा, तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक की लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। और मैं बस लोगों को यही बता रहा हूँ कि तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसको सपना नहीं, उसको जिद बनाओ ना यार, मतलब उसको ऐसे मत सोचो ये करना है। मैं लोगों को देखा हमेशा ये करेंगे हम लाइफ में, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू हैव। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, कोई ऐसा कैमरा नहीं, कुछ नहीं। तो हाउ आई स्टार्टेड, उसके बुक के ऊपर मोबाइल फोन रख दिया जो मेरे पास था। मेरे एक फोटो भी है, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, पीछे कुर्सी दीवार है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुर्सी दीवार लोगों को दिखेगी, लोग क्या कहेंगे। बेड के बगल में पतली बेड रखा हुआ है, उसी रूम में बेड है, पतली सी स्पेस है, उसी में घुस के पढ़ाना है। एंड एकदम डिम सी लाइट, एकदम गंदा सा वीडियो है, एकदम गंदा है। आज वो वीडियो बहुत वायरल है क्योंकि हम लोगों को देखते हैं, अरे सर ऐसे पढ़ाते थे इस टाइम पे। सो स्टार्ट विद व्हाटएवर यू हैव, और अपने आप इंप्रूवमेंट होता जाएगा।